अब तो घूमा 4.5 इंच और पहिया घूम गया 84। अब हब को भी छोटा कर दीजिए, वो समझ लीजिए चूल है, तो उसका जो एक्सिस है वो क्या बनेगा? द एक्सिस ऑफ द व्हील देयर विल बी ए लाइन। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? उसमें धुरा भी घूम रहा है, उसका धुरे के साथ जुड़े हुए हैं तो घूम रहा है, ऊपर चूल है नीचे चूल है। तो जब आप छोटा करते चले आएंगे देन द एक्सिस विल बी जस्ट ए लाइन। तो अगर लाइन को घूमना है तो लाइन घूमेगी या नहीं? भाई पहिए को अगर आप देखें तो लाइन घूम रही है, क्योंकि पहिए का एक एक एटम उसके साथ घूम रहा है। और अगर आप लाइन को देखते हैं तो लाइन तो घूमती नहीं, दैट लाइन इज ओनली कंसेप्चुअल इन द एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग। तो ये वो धुरा है, ये वो ध्रुव है जो चलता भी है और नहीं चलता। नहीं चलता सेंटर में है और ये जो गैलेक्सी है वो उसका सर्कमफ्रेंस है। उपनिषद कहता है भगवान के बारे में, अणोरणीयान छोटे से छोटा, महतो महीयान बड़े से बड़ा। तो अगर एक सिंगल सरफेस पे आपने एक सर्कल लगाया है, उसका सेंटर जो है वो सर्कल उस सेंटर के चारों तरफ घूमता है। बट इफ यू हैव ए ग्लोब, अगर गोला एक आपके पास है, उस गोले का सेंटर क्या होगा? एक पॉइंट। और वो गोला कितने तरीके से घूम सकता है? इफ इट इज सर्कल ऑन ए सिंगल सर्फेस इट कैन मूव ओनली हॉरिजॉन्टली, एक सर्फेस पे घूमेगा। लेकिन अगर गोला है तो कितनी सर्फेसिस पे घूम सकता है? वो अनकाउंटेबल सर्फेसिस वो है। तो जो ध्रुव है वो ध्रुव देखिए छोटे से छोटा है, ह्यूमिलिटी है उसके अंदर। अगर वो लाटसा बनता है 3 बजे तो फिर बात नहीं बनती। ह्यूमिलिटी है, मोस्ट पावरफुल है एंड येट छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। तो उसके अंदर एक तो महिमा होनी चाहिए, महिमा, उसका हार्ट बड़ा हो। उसके बाद सद्रु, सद्रु का मतलब है बहुत तेज जाने वाला, और इतनी तेज जाएगा कि वो धरती के अंत तक पहुंचेगा। मीनिंग वसुधैव कुटुंबकम, जो भी आदमी जो भी व्यक्ति उसके राज्य में रहता है वो उसके अपने परिवार का मेंबर है। तो आगे जाके एक मंत्र आता है, वो चलता है कहां? सबंधून, उसके अंदर प्रेम आता है। स अनुरज्यता, उसके अंदर प्रेम आया, सारी दुनिया का दुख अपने अंदर ले लिया, सारी दुनिया की खुशी अपने अंदर ले ली और उसको हजारों गुणा कर बढ़ा के उसने दिया। स अनुरज्यता, और लोगों के बीच में गया वो, मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर की जगह होना चाहता है, लोगों के बीच में गया, अनुरज्यता तथा राजन्य अजायत है। वहां पे क्षत्रिय का रूलर का जन्म होता है। जब एक आदमी महिमा वाला होता है, डायनेमिक होता है, उसका हार्ट बड़ा है और लोगों के अंदर जाता है लाइक हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो फिर क्या होता है? उसके पीछे सारी दुनिया लग जाती है। पिता पितामह प्रजापति परमेष्टि यज्ञ आपह कर्म लोकह, लोग उसके पीछे चलते। मैंने टाइम 2-3-4 मिनट शायद ज्यादा ले लिया हो, आगे फिर कभी चर्चा इस बात की करेंगे। तो आज मैंने ध्रुव की बात करना शुरू किया कि महिमा, शत्रु, बंधु, ये तीन चीजें जरूर उसके अंदर होनी चाहिए। और बंधु का मतलब भाई नहीं है, क्योंकि भाई तो आप जानते हैं आज की दुनिया में वो सिबलिंग्स की क्या होता है, सिबलिंग्स राइवलरी, भाई भाई का दुश्मन। हरियाणा में कहावत है, बैरी माँ का जाया, जिसने माँ का दूध बटाया, ये हरियाणा का गुण है। ठीक है, बंधु का मतलब है जो बांधा हुआ है,
ऐसे ढंग से बंधा हुआ है कि छूटता नहीं है। वो आपसे बंधा हुआ है और आप में से हर एक उसके साथ बंधा हुआ है, वो बंधु होता है। सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज यू नो ऑफ ए पर्सन एंड ऑफ ए पावर विच इज ध्रुव। और उसके लिए हमको भी फिर दोनों तरह से घूमना भी पड़ता है और अपने अपने ऑर्बिट में रहना पड़ता है। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, मेरी बात सुनिए आप। थैंक यू वेरी मच।